हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्टिंग के बारे में। तो गाइस, फास्टिंग जो है इस टाइम पे दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि इसकी वजह से किस तरह से वेट रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से कैसे डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और कैंसर जैसी डिजीजेस को किस तरह जो है वो फास्टिंग की मदद से क्योर किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसका। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्टिंग है क्या, इसके जो इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर वो क्या है, किस तरह से आप फास्टिंग कर सकते हो और फास्टिंग के जो ड्रॉबैक्स है अगर है तो वो क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फास्टिंग है क्या। तो बेसिकली फास्टिंग एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपको जो है वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपने कुछ खाना पीना नहीं होता, उसको हम फास्टिंग कहते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है इसको कंफ्यूज कर देते हैं स्टार्वेशन के साथ। स्टार्वेशन जो है वो बिल्कुल अलग चीज होती है, स्टार्वेशन का मतलब ही होता है कहत। तो स्टार्वेशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपकी कैलोरीज, आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है, आपको कैलोरीज डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन फास्टिंग में ऐसा नहीं होता। फास्टिंग में जस्ट आपने एक टाइम पीरियड के लिए आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, और वेरी नेक्स्ट पीरियड जो आपका ईटिंग विंडो है, जो आपका ईटिंग आवर्स होते हैं, उसमें आपने वो सारी कैलोरीज, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करने होते हैं, जिसको फास्टिंग कहते हैं। स्टार्वेशन जो है वो लीड करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो तबाह होने वाला है, लेकिन फास्टिंग की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, आपके बॉडी के हार्मोन्स बेहतर होते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, या इसको जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि फास्टिंग का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो ये इंसुलिन लेवल को रिड्यूस करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, बुनियादी तौर पे ये तब इंक्रीज होता है जब हम फूड इंटेक करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज लेवल अप होता है, तो उसको कम करने के लिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन फौरी तौर पे प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। अब कुछ लोग जो हैं वो स्नैक्स को मिला के, सुबह दोपहर और शाम के खाने को मिला के और स्नैक्स को मिला के, स्नैक कहते हैं कि बिटवीन मील अगर आप कुछ खा रहे हो, यानी अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान यानी 11 बजे कुछ खाते हो, तो उसको स्नैक कहते हैं। वो चाहे एक चाय का कप हो, वो चाहे एक कैंडी क्यों ना हो, उसकी वजह से भी आपकी पूरी मशीनरी जो आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को, पूरी मशीनरी को वर्क करना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो हैं वो स्नैक्स को मिला के 5 से 6 दफा खाना खा रहे होते हैं दिन में, तो थ्रू आउट द डे जो है उनका इंसुलिन लेवल यहां पर होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलती है, वो कभी रिड्यूस ही नहीं होता इंसुलिन लेवल। अब उसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज के, जहां से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो ऐसी इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं जो इफेक्टिव ही नहीं होती। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये लीड करती है टाइप 2 डायबिटीज को। 90% जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोगों को जो डायबिटीज होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, और इसका सबसे बड़ी जो रीजन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि जब आप बार बार खाना खा रहे, तो इसका क्या इलाज क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, फास्टिंग। आपको फास्टिंग करनी है, 12 से 16 घंटे की फास्टिंग आपको करनी है, तब आपका इंसुलिन लेवल जो रिड्यूस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेहतर होगी। इंसुलिन हार्मोन जो है ये फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, ये फैट को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर, इसका ये इफेक्ट होता है। तो अगर आपका थ्रू आउट द डे इंसुलिन लेवल यहां पर होगा, तो मुमकिन ही नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट ही ना हो, बहुत ज्यादा हाई होगा फैट स्टोरेज, बैली फैट इंक्रीज होगा, आपका बैली इंक्रीज होगी। अगर आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तब भी आपको फास्टिंग करनी है। सो इसके अलावा हमारे ग्रोथ हार्मोन जो है ये हाई रहते हैं फास्टिंग की वजह से। जब आप फास्टिंग करते हो आपके ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो फैट बर्नर हार्मोन है, ये फैट को बर्न आउट कर देता है, आपके मसल्स को गेन करवाएगा ग्रोथ हार्मोन, आपके मसल्स इंक्रीज होंगे, फैट जो है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा बोन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो हमारे पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं फास्टिंग की वजह से। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जब आप कैल्शियम इंटेक करोगे, कैल्शियम अगर किसी फूड के अंदर प्रेजेंट है, आप वो फूड इंटेक कर रहे हो, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की इंक्रीज होती है फास्टिंग की वजह से। तो फास्टिंग की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की इंक्रीज हुई, तो बोन्स की हेल्थ इंप्रूव होगी। सेकेंडली
इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है फास्टिंग का बोन्स के ऊपर, ये कि फास्टिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी तो आर्थराइटिस जो है, आपके ज्वाइंट्स जो हैं अगर उनमें सोजश है, यानी जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर जोड़ जो होते हैं, उनके हड्डियों के जोड़ जो होते हैं, वो उनके अंदर स्वेलिंग होती है, उसके अंदर सोजश होती है, वो भी रिड्यूस होगी। तो आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए फास्टिंग बहुत अच्छी होती है, उनको भी करनी चाहिए फास्टिंग। इसके अलावा जो सेलुलर रिपेयरमेंट है वो ज़्यादा होगी, इनक्रीज़ हो जाती है, यानी सेल्स के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जो ओल्ड सेल्स होते हैं बॉडी उनको खाना शुरू कर देती है, उनकी ब्रेकडाउन शुरू करती है, एज ए रिजल्ट न्यू सेल फॉर्मेशन होती है, तो बॉडी क्या होगी, आपकी लुक जो है वो यंगर दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा फास्टिंग की वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई होती है ट्यूमर को, यानी ट्यूमर कहते हैं कैंसरस सेल्स जो होते हैं उसको ट्यूमर कहते हैं, तो जो ट्यूमर को ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से उसका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है ट्यूमर का। तो एक रिसर्च में है जिसके मुताबिक जो 16 और की फास्टिंग करने से, 16 घंटे की फास्टिंग करने से 70% रिडक्शन होती है रीअकरेंस की कैंसर की, यानी कैंसर दोबारा होने के 70% चांसेस रिड्यूस होते हैं 16 और की फास्टिंग के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है वो फास्टिंग करनी चाहिए, तो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, अब ये वीडियो देखेंगे और वेरी नेक्स्ट जो डे है उसमें लोग 16 घंटे की फास्टिंग शुरू कर देते हैं वेरी सडनली, तो ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिस है। कभी भी कुछ भी फॉलो अप पे लो तो उसको स्लाइटली आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है। तो अगर आप 5 से 6 दफ़ा खा रहे हो खाना स्नैक्स को मिला के, तो सबसे पहले आप स्नैक्स रिमूव करोगे, सुबह दोपहर और शाम का खाना खाओगे, बस इसको फॉलो अप पे रखो 1 वीक एटलीस्ट। उसके बाद आपको लंच को रिमूव करना है। अब आपकी होगी 12 घंटे की फास्टिंग, सुबह 8 से रात 8 बजे 12 घंटे की फास्टिंग। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको 16 घंटे की फास्टिंग तक लेके जा सकते हो, 18 घंटे की फास्टिंग तक लेके जा सकते हो। एक हफ्ता 12 घंटे की फास्टिंग को फॉलो अप रखो एटलीस्ट। इसके बाद आप 8 से 10 तक लेके जाओ इसको, या 11 बजे तक लेके जाओ नाश्ते को, जो ब्रेकफास्ट है, फिर इसको फॉलो अप रखो 8 से 10 दिन इसको फॉलो करो, और फिर इसके बाद जो है वो 12-1 बजे तक भी लेके जा सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको फास्टिंग को जो इनक्रीज करना है, ग्रेजुअली करना है। सडनली अगर करोगे तो बॉडी में स्ट्रेस आएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती है, आपको ग्रेजुअली करना होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि ड्यूरिंग फास्टिंग जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है लोगों को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस जरूर रखें। कोई भी आप जो है वो सप्लीमेंट, पोटाशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, जिससे आपका थ्रू द डे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इम्बैलेंस नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप फास्टिंग लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों में ये मिस्टेक देखी गई है कि फास्टिंग जब वो ब्रेक कर रहे होते हैं, यानी जब आप वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा कार्ब्स वाली फूड को लाइक करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी कम हुई हुई होती है, तो ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें, कार्ब्स वाली चीज़ों, उनकी क्रेविंग ज़्यादा होती है आपको, तो ये आपको नहीं करनी है। तो अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको हंगर फील होगी। जाहिर सी बात, आप फास्टिंग कर रहे हो तो हंगर फील होगी आपको। सेकेंडली, कुछ लोगों को जो है वो ओकेजनली उनको हेडेक रहता है, सर में दर्द रहेगा, उसकी रीज़न ये होती है कि उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हुआ है। आप फौरी तौर पे कैल्शियम या पोटाशियम या मैग्नीशियम सिट्रेट, इनके सप्लीमेंट लोगे तो फौरी तौर पे आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा पेन का, हेडेक नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हो या फिर आपकी शुगर लेवल सडनली रिड्यूस हो जाती है, तो आपको फास्टिंग जो है वो कभी भी किसी की मशवरे के बगैर नहीं करना, खुद से ही फास्टिंग नहीं करना स्टार्ट कर देनी। इसको करने के लिए एक तो आपको ग्रेजुअली करना होता है, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जो आपको मद्देनजर रखने होते हैं। तो अगर आपका शुगर लेवल जो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है या डायबिटिक हो, तो खुद से फास्टिंग नहीं करनी आपको। तो ये इसके जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। तो आई होप गाइज ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट देके अपना फीडबैक भी मैं दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।